सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल धोखाधड़ी के मामले में उन पर आरोप तय हो गए हैं। सपना चौधरी के अलावा जुनैद अहमद, इबाद अली, अमित पांडे, रत्नाकर पांडे पर भी आरोप तय हो गए हैं। आपको बता दें कि एसजीएम कोर्ट में सपना चौधरी समेत 5 आरोपी पेश हुए थे। वहीं एसजीएम कोर्ट ने अभियोजन को गवाही शुरू करने का आदेश भी दिया है। सभी गवाहों को 12 दिसंबर को तलब किया गया। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर 2018 को हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ के आशियाना थाने में धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज कराया गया था। उन पर पैसा लेने के बावजूद प्रोग्राम में नहीं आने का आरोप है। शो के टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन भेजे गए थे। सपना को दोपहर को 3 बजे कार्यक्रम में आना था और वह कार्यक्रम रात को 10 बजे तक चलना था। सपना चौधरी का शो जुनैद अहमद, नवीन शर्मा, अमित पांडे, रत्नाकर उपाध्याय और पहल इंस्टीट्यूट के इबाद अली ने आयोजित कराया था। इस इवेंट के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपये का टिकट बेचा गया था। वहीं सपना के कार्यक्रम में ना पहुँचने पर वहाँ मौजूद दर्शकों ने जमकर हंगामा भी किया था। बता दें कि इससे पहले सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट ने अगस्त में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। दरअसल सपना समेत 5 अन्य आरोपियों को 22 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था ताकि आरोप तय किए जा सके, लेकिन सपना अदालत में पेश नहीं हुई और ना ही उनके वकील ने छूट के लिए कोई याचिका दायर की थी, जिसके बाद 19 सितंबर को कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। हालांकि सपना ने बाद में कोर्ट में आवेदन जमा कर कहा था। इसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट वापस